जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 24 से 25 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। विश्व स्तर पर 23 अक्टूबर को वर्ल्ड स्नो लिपॉर्ड डे यानी विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुए के संरक्षण को महत्व को दर्शाना और इस अद्भुत जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1945 में सभी के लिए शांति, विकास और मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं श्री एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विकास की समस्याओं के लिए विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करना है। हर साल 24 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पोलियो को ख़त्म करने के लिए पोलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो 2020 का थीम है अविन अगेंस्ट पोलियो इज अविन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला 190वां सदस्य देश बन गया है। अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला वेला, अंडोरा की मुद्रा है यूरो। नीति आयोग ने शहरी शिक्षा नीति प्रणाली में सुधारों की शुरुआत करने के लिए एक 14 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार करेंगे। मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए अटलांटिस के साथ साझेदारी की है। मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। मास्टर कार्ड का अध्यक्ष है माइकल माइबेक। मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अजय बंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ हाथ मिलाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष हैं हसमुख अधिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा में चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में पूर्व राजस्व सेवा अधिकारी महानिदेशक श्री हरीश कुमार और महासचिव तथा महानिदेशक श्री उमेश सिन्हा शामिल होंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और मुख्य चुनाव आयुक्त का मुख्यालय नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने परिवार के सदस्यों की मृत्यु अथवा दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए YSR बीमा योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वाभूषण हरिश्चंदन। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य एक बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के साथ साथ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाना है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी पलनीस्वामी जी हैं। राज्यपाल
बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु का राज्य नृत्य है भरतनाट्यम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। थल सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवाड़े ने विशाखापत्तनम में देश में निर्मित 4 एंटी सबमरीन वायफेयर स्टील कॉर्बेट में से अंतिम INS क्रांति को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। INS क्रांति अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सूट से लैस जो पनडुब्बियों को पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने में सक्षम है। नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। DRDO ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लांग का फाइनल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है। DRDO का अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडियन बैंक ने IIT मद्रास इनोवेशन सेल के सहयोग से स्टार्टअप्स को फंडिंग बनाने के लिए IND स्प्रेनिंग बोर्ड नामक एक पहल की शुरुआत की है। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। इंडियन बैंक के CEO हैं पद्मजा चंद्रू। इंडियन बैंक का टैगलाइन है योर ऑन बैंक बैंकिंग दैट्स ट्विस एज गुड। नीना मल्होत्रा होंगी सैन मैरिनो गणराज्य में भारत की अगली राजदूत। सैन मैरिनो राजधानी गणतंत्र की राजधानी है सैन मैरिनो और गणतंत्र का मुद्रा है यूरो। सुशील कुमार सिंघल को सोलोमन द्वीप का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सोलोमन द्वीप की राजधानी है होनोयारा। सोलोमन द्वीप की मुद्रा है डॉलर। ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जैनिनी वर्सिक्स को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए उनके अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए एक गैर लाभकारी NGO द्वारा आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया है। प्लेबैक सिंगर संगीत निर्देशक और अभिनेता के जे मोहम्मद बापू का निधन हो गया है। इन्हें जीरो बापू के नाम से भी जाना जाता है। वेगा ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड अपनिस्टर बनाया है। साद अल हरीरी एक बार फिर लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत। लेबनान की मुद्रा लेबनानी पाउंड। भारत को 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंदा को अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक अवधि के लिए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें 187 देश सदस्य हैं। इसकी बैठक मार्च जून नवंबर साल में 3 बार की जाती है। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड, हैव अ गुड डे।